टावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करें ऐसी पीसी शेयर के बारे में। क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ गया, अब आपको क्या करना है, बाय सेल होल्ड देख लो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास में ऐसी पीसी का एक भी यूनिट है ना, क्वार्टर फोर रिजल्ट देखना जरूरी है, आगे क्या करना वो भी देखना जरूरी है। डायरेक्ट रिजल्ट पर चलते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं, फिर आपको क्या करना है, मंडे मार्केट को क्या राजनीति हो सकती है, इस स्टॉक की आगे की रणनीति, टारगेट, स्टॉप लॉस सब देखेंगे। देखो ऐसी पीसी है, आंकड़े फिगर्स लाख्स में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ईयर ऑन ईयर है। टोटल इनकम की बात कर लेते हैं, पिछले ईयर में 9,444 लाख की इनकम थी, पिछले क्वार्टर में 12,402 लाख की इनकम थी, इस क्वार्टर में 15,012 लाख की इनकम हुई है। ये टोटल एक्सपेंस यानी कि खर्चे देख लेते हैं, खर्चा कितना कर दिया, पिछले ईयर में 12,340 लाख का खर्चा किया, पिछले क्वार्टर में 12,298 लाख का खर्चा किया, इस क्वार्टर में 14,005 लाख का खर्चा कर दिया, खर्चे ज़्यादा कर दिए। अब टोटल प्रॉफिट और लॉस देख लेते कंपनी को क्या हुआ है, पिछले ईयर में कंपनी को 13,535 लाख का लॉस हुआ था, पिछले क्वार्टर में 388 लाख का प्रॉफिट हुआ था, इस क्वार्टर में 2,014 लाख का प्रॉफिट हुआ। हाँ दोस्तों, यानी कि लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, हालांकि क्वार्टर क्वार्टर लॉस बहुत ज़्यादा, ईयर ऑन ईयर तो अच्छा है। हालांकि देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि करंट टैक्स लग रहा है, डिफॉल्ट टैक्स लग रहा है, टैक्स एक्सपेंसिव, ये टैक्स वगैरह ये लगने के कारण से 2,014 लाख का कंपनी को लॉस हुआ, जहाँ अर्निंग पर से 3 पैसा था, अब 16 पैसा माइनस में हो गया। फिर बता रहा हूँ, अगर आपके पास में SEPC का स्टॉक है तो कंपनी को 2,014 लाख का लॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी का फंडामेंटल देखिए, 1,303 करोड़ की कंपनी जिसका पीए कुछ नहीं, आरओसी माइनस में, आरओबी माइनस में, 409 करोड़ का कर्जा, 1 रुपये कैश नहीं है, 235 करोड़ रुपए माइनस में है, प्लीज नहीं है, प्रमोटर के पास में 30% है, डीए वाले 40% मान सकते हैं, एफआई वाले नाम मात्र के, बाकी पब्लिक है 31%। वॉल्यूम भी हो रहा है, अर्निंग पर शेयर माइनस में, करंट एसेट है 1,273 करोड़ का, और लाइब्रेरीज 578 करोड़ की है। क्वार्टर सेल्स और सेल्स ग्रोथ कंपनी की हो रही है, क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट माइनस में, आरएसआई इसका 32 है, टोटल एसेट 2,002 करोड़ का है, कंपनी ने मात्र 41 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बुकली 7 रुपये 92 पैसे, करंट प्राइस 9 रुपये 50 पैसे है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, यानी कि कंपनी आज तक स्प्लिट नहीं है। अब देखो दोस्तों, इसका क्वार्टर रिजल्ट है जो लॉस में है, तो कंपनी है 52 वीक थोड़ा क्रेस होगी, ध्यान रखना 52 वीक के ऊपर है, थोड़ा क्रेस होगी। अब क्रेस कहाँ तक हो सकती है वो भी हम देख लेते हैं। कंपनी की बात करें तो 52 वीक 6 रुपये 80 पैसे है इसका, और यहाँ पर अगर एडवांस चार्ट की बात करें ना, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इसका राइट इश्यू भी आया था और कंपनी देखो इसी सपोर्ट पर है, अगर ये लेवल टूटा तो यहाँ पर कंपनी है 8 रुपये तक आ जाती है, 8 रुपये का टूटा तो और तबाही हो जाएगी। तो फ्रेश इंटी एक बार आपको अवॉइड करनी है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें ना कंपनी के, तो यहाँ पर देखो 9 रुपये 30 पैसा, 9 रुपये 10 पैसा, 8 रुपये 85 पैसे, तो कंपनी 8 रुपये तक आने की कोशिश करेगी, तो फ्रेश इंटी यही करनी है और मार्केट की चाल भी समझनी है। आई होप सारी समझ गए होंगे दोस्तों। किसी भी स्टॉक के बारे में जानना कमेंट कर देना। थैंक यू।